यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, वहाँ पे ग्रामर के हमको प्रश्न मिलेंगे। 10 नंबर के प्रश्न रहेंगे ग्रामर के, 4 नंबर में भी 5 मार्क्स का और 5 नंबर में भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों क्वेश्चन को तैयार करते हैं, 4 नंबर को और 5 नंबर को। शुरू करते हैं। डू एज डायरेक्टेड, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डू एज डायरेक्टेड 5 मार्क्स के। पहला लिखा है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक दिसंबर 25। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ करना है। प्रेपोजिशन क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ऑन हो सकता है, इन हो सकता है, एट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे सही अच्छा प्रेपोजिशन यहाँ पे सूटेबल प्रेपोजिशन क्या रहेगा, ऑन। क्या ऑन रहेगा, क्यों, क्योंकि ये दिनांक बता रहा है और जब हम दिनांक बताते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन। अगर कोई टाइम बता रहा होता तो एट यूज़ करते, अगर महीना बता रहा होता, साल बता रहा होता तो वहाँ पे हम इन यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑन। तो सही क्या होगा यहाँ पे, ऑन। दूसरा है होली इज़ सेलिब्रेटेड, ठीक है, होली इज़ सेलिब्रेटेड फरवरी और मार्च। तो होली मनाई जाती है फरवरी या मार्च में। यहाँ भी हमें प्रेपोजिशन यूज़ करना है। अब चूंकि यहाँ पे कोई डेट नहीं लिखी हुई है, केवल और केवल एक मंथ लिखा हुआ है और मंथ के साथ हम यूज़ करते हैं इन, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन। होली इज़ सेलिब्रेटेड इन फरवरी या मार्च, फरवरी और मार्च। तीसरा नंबर, राजेंद्र प्रसाद वॉज, अब राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो पहले राष्ट्रपति थे तो क्या हम लगाएंगे फर्स्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, दिसंबर इज द लास्ट मंथ, ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, लास्ट। पांचवा नंबर है सिंग कैन अ सॉन्ग, ये ऑब्लिक कर करके बांट दिया गया है, इसको करना है रीअरेंज, एक प्रॉपर सेंटेंस में हमको रीअरेंज करना है। तो शुरू में देखो सिंग कैन अ सॉन्ग बाय यू, लास्ट में लिखा है क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क बना है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव है तो हम शुरुआत करेंगे क्या, कैन से, तो क्या हो जाएगा, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, सही क्या रहेगा, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, रीअरेंज करने के बाद कैन यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। नीचे चलते हैं, लिखा है आई स्टैंड ऑन वन लेग कैन, फिर से इसको रीअरेंज करना है तो क्या हो जाएगा, आई कैन स्टैंड, आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, मैं एक पैर में खड़ा हो सकता हूँ, आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग। आगे चलते हैं, सातवां नंबर, वी बाय बुक्स पेंस फ्रॉम द शॉप, पुट द वर्ड एंड इन द करेक्ट प्लेस, तो एंड को करेक्ट प्लेस में यूज़ करना है। तो गलती कहाँ पे लिख रहे हैं, बुक्स पेंस, इनके बीच में कुछ भी नहीं लगा है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे बुक्स और पेंस के बीच में एंड, तो सही हो जाएगा। तो हमें पूरा क्या लिखना है, बुक्स और पेन, बुक्स एंड पेंस, और पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे लिख देना। नीचे है वी रीड स्टोरीज पोएम्स इन क्लास, सेम टू सेम वही प्रॉब्लम, यहाँ पे स्टोरीज पोएम के बीच में यहाँ पे हमें एंड लगाना है, तो वी रीड स्टोरीज एंड पोएम्स इन क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं, नौवां नंबर है बुर्ज खलीफा इज बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इट्स हाइज इज 830 meters, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है टॉल का, तो क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री टॉल की टॉलेस्ट, तो यहां पे हम लिख देंगे टॉलेस्ट। चलो आगे चलते हैं, दसवां नंबर, द एग्जाम स्टार्ट नेक्स्ट वीक, फ्यूचर टेंस में यूज करना है, तो यहां पे ब्लैंक में हम क्या लिख देंगे, विल स्टार्ट, द एग्जाम विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट है वी कीप अवर स्कूल क्लीन, फ्यूचर टेंस, फिर से, तो वी विल कीप, विल कीप, फ्यूचर टेंस के लिए विल कीप। चलो बारवा नंबर है उमर प्लांट जामुन सीड्स इन द स्कूल्स गार्डन, कंप्लीट द सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके हम ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लांट लिखा है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो
प्लांटेड, उमर प्लांटेड जामुन सीड्स। आगे चलते हैं द प्लांट, अब यहाँ पे अ ट्री एंड फ्रूट्स ग्रू ऑन इट। कंप्लीट द सेंटेंस विद सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे फिर से। तो इसको जो ये बिकम लिखा है इसको हमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा बिकेम। जहाँ पे ओ लिखा है वहाँ पे अब ए आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या रहेगा बिकेम। 14 नंबर है द रेनी सीजन स्टार्ट्स समर। अच्छा, जो बरसात होती है वो गर्मी के बाद शुरू होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आफ्टर द समर। क्या आफ्टर द समर, आफ्टर द समर। चलो आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर है द रिपब्लिक डे कम्स इंडिपेंडेंस डे इन द कैलेंडर। तो रिपब्लिक डे जो है हमारा गणतंत्र दिवस कैलेंडर में स्वतंत्रता दिवस के पहले आता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे बिफोर, है ना। बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद में। 16वां नंबर है सुमन प्ले द मैच लास्ट वीक। फिर से यह सिंपल पास्ट टेंस, तो जो प्ले लिखा है इसको हमें क्या करना पड़ेगा प्लेड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं द विमेन गो बैक, फिर से सिंपल पास्ट टेंस, तो जहाँ पे गो लिखा है यहाँ पे हमें क्या कर देना है वेंट कर देना है। 18वां नंबर है इंग्लिश ब्लैंक अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज या आर। तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, ये एक लैंग्वेज है, एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज, ठीक है। आर लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आर जब हम यहाँ पे देखते प्लूरल लिखा होता तो ज़रूर आर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इज यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये क्या है प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर। तो 66 डिफरेंट सब स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड इन इंडिया। 20 नंबर है हेल्थ इज ब्लैंक गुड देन वेल्थ। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग कॉम्परेटिव डिग्री। अच्छा देखो ये गुड की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है बेटर, और सुपरलेटिव बेस्ट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कॉम्परेटिव डिग्री, तो जहाँ पे गुड लिखा है वहाँ पे हमें क्या लिखना है बेटर। तो हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। आगे चलते हैं अ मैप इज ब्लैंक यूजफुल देन अ डिक्शनरी वाइल्ड ट्रैकिंग। ट्रैकिंग करना यानी जंगल पहाड़ चढ़ना, उसके दौरान क्या ज़्यादा ज़रूरी होता है डिक्शनरी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि मैप ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली मैप ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग कॉम्परेटिव डिग्री, अब इसकी कॉम्परेटिव डिग्री बनाना है तो यूज़फुल का यूज़फुलर तो नहीं होगा, यूज़फुलेस्ट तो नहीं होगा, तो जब ऐसी चीज़ें नहीं होती है तो वहाँ पर हम मच या मोर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैप इज़ मोर यूज़फुल, ठीक है, मैप इज मोर यूजफुल, हम यहाँ लिखेंगे मैप इज मोर यूजफुल देन अ डिक्शनरी वाइल्ड ट्रैकिंग। पूरा सेंटेंस लिखना है, जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे मोर यूजफुल लिखना है। 22वां नंबर है द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज द ईयर 2017। अ कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग इन ऑब्लिक एट। तो किस साल में 2017 में, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हम इन यूज़ करेंगे क्योंकि ईयर को बोल रहा है। अगर टाइम बोलता कि 10 बजे 12 बजे तो वहाँ पे एट यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे इन द ईयर 2017। 23 नंबर है थिमक्का बिगेन वर्किंग हार्ड। अब यहाँ पे लिखा है अ वेरी यंग एज, कंबाइन कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग इन ऑब्लिक एट। तो एक छोटी सी उम्र में उसने हार्डवर्क शुरू कर दिया था, एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तो जब पॉइंट ऑफ टाइम हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हम लिखेंगे एट। तो सही क्या रहेगा यहाँ पे एट। 24वां नंबर है इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो सही क्या है वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज नहीं, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब चलते हैं A5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 का, सेक्शन ए का 5वां क्वेश्चन, जो कि फिर से है 5 नंबर के, और यहाँ पे टोटल 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हमें सीखना है चीज़ों को, बहुत इजी है। तो राम इज सिटिंग, सपना एंड राधा, राधा एंड सपना, तो ब्लैंक भरना है बिटवीन या अमंग से। देखो बिटवीन हम यूज़ करते हैं दो लोगों के लिए, और
दो से ज़्यादा लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं अमंग, तो यहाँ पे दो लोग हैं तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम क्या, बिटवीन। आगे चलते हैं, मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। मून लिखा है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द मून, द सन, है ना। तीसरा नंबर है मंडे कम्स, मंडे आता है किसके बाद, संडे के बाद, है ना, तो बाद में आता है संडे के, तो क्या सही रहेगा, आफ्टर। चौथा नंबर है वी ओबे आर टीचर्स, तो वी मस्ट ओबे आर टीचर्स। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। आई हैव रेड मैनी बुक्स, यहाँ पे क्या सही रहेगा, मैनी बुक्स। मच यूज़ करेंगे हम अनकाउंटेबल के साथ, जैसे यहाँ पे वाटर लिखा होता तो ज़रूर यहाँ पे मच लगा देते, लेकिन यहाँ पे प्लूरल लिखा है यानी काउंटेबल प्लूरल हो तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैनी। चलो आगे चलते हैं, फिजिक्स नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स के साथ हम इस्तेमाल करेंगे इज़, फिजिक्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। आठवां नंबर है शी एन एप्पल डेली, तो शी के साथ हम यूज़ करेंगे ईट्स, तो शी ईट्स एन एप्पल डेली। नौवां नंबर है द चेयर वॉज, अब यहाँ पे बाई लिखा है मतलब पैसिव वॉइस का है, और जब पैसिव वॉइस देखते हैं तो हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो द चेयर वॉज ब्रोकन बाई द स्टूडेंट। दसवां नंबर है शी ब्लैंक हर होमवर्क डेली, तो शी डज हर होमवर्क डेली।